कोशालिस किचन में और एक बार स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल बीटरूट की रेसिपी। चलिए मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बीटरूट फ्राई। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 बीटरूट, इसे अच्छी तरह से ग्रेट करके रखी हूँ। अभी हमें कढ़ाई गैस पर रख दिया है, ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होते ही उस पर हम डाल देंगे राई। उसके बाद इसमें हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। लाल मिर्च पाउडर अभी इसमें डाल देंगे। अभी हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ। आप चाहे तो तिक्का बढ़ा सकते हैं। और इसे थोड़ी फ्राई कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर को मीडियम फ्लेम पर रखना है, एकदम लो फ्लेम में रखना है ताकि वो मसाला जो है जल ना पाए। और अभी हम इसको डाल देंगे ग्रेटेड किया हुआ बीटरूट को और इसे अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखे। इसे हम अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है। स्वादानुसार नमक भी डाल देना है इसी वक्त। और इसे बीच बीच में आपको ऑयल कम पड़ा तो ऑयल भी डाल दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे इसी तरह हम मिला कर इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी रसा टेस्टी एक बीटरूट की सब्जी है। सब्जी यानी बीटरूट की फ्राई है। देखिए ये बन चुका है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। फटाफट से हमारे बीटरूट की जो फ्राई है रेडी हो चुका है। इसे खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप सब जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।